रंजना सोलंकी, अब आपको मैथ्स में पढ़ाऊंगी। और फर्स्ट पेज हमारा 69 पेज से स्टार्ट हो रहा है। ये डेसिमल्स चैप्टर नंबर 1 है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हम क्या क्या लर्न करेंगे, क्या क्या सीखेंगे। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस, टेंस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड, है ना। टेंथ हंड्रेड एंड थाउजेंड का जो कॉन्सेप्ट है वो। टू राइट एक्सपैंड फॉर्म, कंपेयर एंड ऑर्डर लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। एक्सपैंड फॉर्म डेसिमल्स के बारे में है ना, जो दशमलव जिसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, दशमलव, है ना। टू कैरी आउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन डेसिमल, डेसिमल में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किस तरह से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको देख रहे हैं टेंथ, क्या लिखा है यहाँ पे, टेंथ। टेक अ स्क्वायर शीट, सबसे पहले आपको स्क्वायर शीट लेना है। डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स, शेड वन कॉलम। अभी जैसे यहाँ पे इन्होंने किया है ना, 10 लाइन्स यहाँ पे करी है और एक को कलर कर दिया है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, है ना, और एक को किसी को भी कलर कर दिया है, ठीक है। तो व्हाट इज फ्रिक्शन, डज द शेडेड पोर्शन प्रेजेंट। तो फ्रैक्शन क्या होता है, शेडेड पोर्शन मतलब 10, 10 हमने नीचे लिख दिया, 10 में से कितना हमने कलर किया है, 1। तो ये हमको बताता है फ्रैक्शन कि 10 में से 1 क्या है, कलर है, फ्रैक्शन। मालूम है ना आपको, फ्रैक्शन में हमने देखा था द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट 1 आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट, मतलब सारे पार्ट एक बराबर हैं परंतु जो 1 है वो कलर्ड है 10 में से, है ना, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज 10, 1 अपॉन 10 इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में इस तरह से उसको लिखा जाता है। इन डेसिमल 1 अपॉन 10 को क्या लिखेंगे, 0.1, ठीक है, या फिर इसको 0.1 इसको पढ़ेंगे, ठीक है, इसको इसे लिखना है। एग्जाम्पल 1 यहाँ पे एक दिया है, तो इट इज एग्जाम्पल 1, रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 2 अपॉन 10, 2 अपॉन 10 को प्रेजेंट करना है ऑन ए स्क्वायर शीट एंड राइट इट्स अ डेसिमल फॉर्म। 2 आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स आर कलर्ड इन ब्लू, तो दो जो पार्ट हैं वो कलर्ड हैं और दोनों कौन से कलर से किए हैं, ब्लू, ब्लू कलर ये, ठीक है, दिख रहा है। सो द ब्लू शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट 2 अपॉन 10, जो कलर पोर्शन है ये वो क्या बता रहा है, 2 अपॉन 10 हमको बता रहा है कि जो 10 है टोटल कितना है, 10 है, ये पूरी लाइंस कितना है, टोटल 10 है। तो 10 में से कितने कलर्ड हो गए यहाँ पे, 2, तो 10 में से 2 कलर हमने कर दिए। द डेसिमल फॉर्म ऑफ 2 अपॉन 10 इज 0.2, जैसे यहाँ पे 0.1 हुआ था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.2, ये डेसिमल फॉर्म हो गया। वैसे ही 4 का 4 अपॉन 10, तो इसको कैसे करेंगे, तो 10 लाइन खींच लेंगे आप ये इस तरह से, और फिर 4 कोई से भी 4 आप कलर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 10, और इसको क्या पढ़ेंगे, 0.4, इस तरह से डेसिमल फॉर्म हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज पे है, यहाँ पे अब स्क्वायर्स दिए हैं, तो ये हंड्रेड्स में हो गया, ठीक है। तो 10th का हमने समझ लिया, अब ये हंड्रेड्स के हैं। तो टेक ए स्क्वायर शीट एंड डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ऐड 1 पोर्शन ऑफ इट। अब ये तो हमको मालूम है, 10 कर लिया इनको और एक पोर्शन को हमने कलर कर दिया, चलो। तो ये हो गया हमारे 0.1, इतना तो हमारा पहले भी हो गया था। नाउ डिवाइड ईच पार्ट इंटू 10 इक्वल पार्ट्स, वी गेट 100 स्मॉल स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। अब 10 तो ये हो गए थे ना, जैसे हमने ये किए थे, ये भाई खड़ी लाइनें ऐसी खींच ली, तो ये 10 हो गई थी। अब वो बोल रहे हैं कि आप 10 और ऐसी लाइनें खींचो इस टाइप से, है ना, तो बहुत सारे स्क्वायर्स हो जाएंगे, तो ये कितने हमको स्क्वायर मिलेंगे, टोटल 100 स्क्वायर्स हो जाएंगे अगर आप इनको काउंट करोगे। शेड एनी वन ऑफ द स्क्वायर, अब हम कोई सा भी एक स्क्वायर को कलर कर दिया इसमें से, मान लिया ये 100 स्क्वायर्स हैं, तो इसको एक को कलर कर दिया, ओके। तो व्हाट डज द शेडेड पार्ट प्रेजेंट, अब हमको ये शेडेड पार्ट क्या बता रहा है। द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट 1 आउट ऑफ 100 इक्वल स्क्वायर, तो हमको अभी बता रहा है कि 100 में से एक क्या है, कलर्ड कर दिया है, ठीक है। तो इसको अब डेसिमल फॉर्म में कैसे होगा,
अभी हम 0.1 लिख रहे थे 1/10 का, अभी यहाँ पे दो जीरो लग जाएंगे। ठीक है, कैसे लगेंगे देखिए, हम यहाँ पे होगा ये 0.01 होगा, क्या होगा 0.01, इसको कैसे पढ़ेंगे 0.01, इस टाइप से आप इसको रीड करोगे। नाउ हियर इट इज़ द एग्जांपल नंबर वन, आप देखें, लुक एट द एग्जांपल। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्क्वायर ग्रिड सोन बिलो इन शेडेड राइट फ्रैक्शन इन द डेसिमल फॉर्म। अभी ये भाई हमको मालूम है पूरे 100 है, ठीक है, मान लो 100 ही है। अभी हमको क्या करना है कि कुछ पोर्शन उन्हें कलर्ड कर दिए हैं, शेडेड कर दिए हैं, तो हमको शेडेड को गिनना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 100 में से कितने कलर्ड हो गए यहाँ पे 12, ठीक है। तो ग्रिड हमको मालूम है कि इतना पोर्शन इसका कलर्ड है, शेडेड है, सो इट्स अ डेसिमल फॉर्म। इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जीरो लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाया, ठीक है, फिर 1 एंड 2, ओके, क्योंकि यहाँ पे दो अंक थे तो 1 एंड 2 दोनों लिख देंगे। अगर सिर्फ एक ही होता, दो ही होते तो यहाँ पे हम लिखते 0, 2, ओके। अभी यहाँ पे ऐसा ही है, एग्जांपल नंबर 2 देखिए, यहाँ पे रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर ऑन द ग्रिड बाय शेडिंग। अब यहाँ पे टोटल नंबर 9 कलर्ड हैं, तो 100/9/100 होगा, तो अब इसको हम डेसिमल में कैसे लिखे, 0, 9 इस तरह से लिखेंगे, ओके। अब यहाँ पे कुछ ये दिए हैं हमको, तो शेयर द गिवन फ्रैक्शन। अब हमको यहाँ पे ये जो 1.1 एक्सरसाइज है, शेयर द गिवन फ्रैक्शन ऑन द स्क्वायर शीट एंड राइट देयर डेसिमल फॉर्म। अब एक शीट में आपको कॉपी में ये करना है, तो आपको 3/10 यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है 3/10, तो यहाँ पे आप तीन जगहों पे इसको कलर कर देंगे, है ना, तीन जगहों पे कलर कर देंगे, तो 10 में से हमारा क्या हो गया, कलर्ड हो गया। उसको डेसिमल फॉर्म में क्या लिखोगे आप, 0.3, ओके। और यहीं पे इनको 7 को कलर करोगे आप, गिन के पूरा करिएगा, ठीक है, 7 कलर हो जाना चाहिए, ठीक है, 3 छूट जाएंगे, ठीक है, 10 हैं तो ये 3 को छोड़ के आपको इनको 7 को अच्छे से कलर कर देना है, तो ये हो जाएगा 0.7। और ऐसे ही यहाँ पे 5 को कलर करो, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, 5 कोई से भी कलर करना है, 0.5, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0.5, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, सेम क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे, राइट द डेसिमल फॉर्म्स ऑफ द डिसाइडेड पोर्शन इन द फिगर्स। तो डेसिमल फॉर्म हमको लिखना है शेडेड पोर्शन का, तो यहाँ पे देखो 10 तो है ही सही, 10 में से कितने कलर्ड हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डेसिमल फॉर्म सिर्फ लिखने को बोला है, तो हम यहाँ पे 0.4 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम गिनेंगे 0.3, इनको भी हम काउंट कर लेंगे, तो ये हो जाएंगे 0.9, है ना, डेसिमल फॉर्म्स ऑफ द अनशेडेड। अनशेडेड अब हमको बता रहे हैं वो, ठीक है, तो देखिए देखिए, ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 एक बार फिर से देख लेते हैं, राइट द डेसिमल फॉर्म्स ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द फिगर्स, ओके। तो ये कितने हो गए हमारे, 0.4 हो गए, क्योंकि 4 कलर्ड है, है ना, 0.3 क्योंकि 3 कलर्ड है, 0.9 क्योंकि 9 कलर्ड है, गिन लेना है आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, वो अनशेडेड का मांग रहा है, अनशेडेड यानी जो कलर्ड नहीं है, तो 0.9, और यहाँ पे हो जाएगा 0.7, 0.3, ओके, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, डेसिमल्स नंबर्स इन द फिगर बाय शेडिंग। शेड कर देना है 0.2, मतलब आप क्या बताओगे, 2 को शेड कर दोगे, 0.5 यानी 5 को शेड कर दोगे, है ना, 5 को, और 5 को रहने देंगे, 0.9 मतलब 9 को आप कलर कर दोगे, और किसी भी एक लाइन को आप रहने दोगे, उसको कलर नहीं करेंगे। नो नेक्स्ट वन थाउजेंड्स में देखिए, थाउजेंड को अब देखो, हम 1/10 को क्या लेते हैं, 0.1,
और 1/100 को आप लिखोगे 0.01। सिमिलरली 1/1000 को लिख क्या लिखोगे 0.001। जितने जीरो यहाँ हैं उतना आगे लगाना है। देखो जैसे यहाँ पे 10 जा तो हमने 0.1 कर दिया, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे क्या था 100 था, तो आपने क्या किया 0.1 यहाँ लगा दिया और 10 के बाद 100 लगा दिया, मतलब ये दो जीरो वो होना ही चाहिए वहाँ पे। तो वैसे यहाँ पे 3 जीरो और 1 10 के बाद आपको डॉट लगाना है, ठीक है, अपना पॉइंट जो है दशमलव का, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/1000, 1/1000 कैसे बताएंगे हम, ठीक है। वन होल ये एक पूरा बॉक्स है, तो इसको 100,000 इक्वल पार्ट में बांटा यहाँ पे, ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1/1000, तो हर पार्ट क्या है 1/1000, ठीक है। तो एक भी कलर्ड हो जाएगा तो उसको हम कैसे बताएंगे 0.001, ओके, इन आइटम्स ऑफ डेसिमल। इस तरह से इनको भी बताना है आपको, 6/1000 है तो 0.006 ऐसे कर लेंगे। वैसे ही ये है 0. अब यहाँ पे 0 नहीं करना है, 1 3 6, क्योंकि यहाँ पे नंबर ही इतने हैं, ठीक है, ओके। अब इसके जो है एक्सरसाइज नंबर 1.2 देख लेते हैं आपकी। तो यहाँ पे लुक एट द कॉलम फ्रैक्शन, दे हैव देयर डेनोमिनेटर इज 1000, डेनोमिनेटर यानी जो नीचे की संख्या है, रिटर्न देम इन डेसिमल, तो इनको डेसिमल्स में बताना है। तो देखो 0.009 हो गया ये, और ये क्या हो गया 0.225, ठीक 0.101 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाए 0.021, ठीक, ओके, ये समझ में आ गया। तो 0.225 हो जाएगा, मतलब उतने अंक होना चाहिए। 0.196 हो जाएगा, 0.063, ठीक है, 0.3 यहाँ पे रहने देंगे सिर्फ, ठीक है, फिर 300 आप कर सकते हो आप, 0.506, 0.874, ठीक, और नेक्स्ट इनका हो जाएगा 0.201, क्या होगा 0.201, 0.007, ठीक है, या फिर सिर्फ 7, ठीक, 0 का मतलब नहीं होता है, 0.999, ओके, यहाँ पे सिर्फ 0.7 भी कर सकते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे 0.7, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच स्क्वायर इज शेडेड, राइट ईच फ्रैक्शन इन द डेसिमल फॉर्म। तो कौन सा इसका पार्ट कलर्ड है, तो यहाँ पे आपको गिन लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हो रहा है 13.013, बी में है 0.3, ठीक है, और यहाँ पे होगा 0.39। यहाँ पे 3 पोर्शन कलर्ड है इसलिए 0.3 कर दिए हैं, फिर 0.39 यहाँ पे होगा, ठीक है, 0.39। रिप्रेजेंट फॉलोइंग डेसिमल नंबर ऑन द ग्रिड बाय शेडिंग, को सेट करना है 0.05 यहाँ पे दिया है आपको कलर करने के लिए, तो आप कोई से भी 5 बॉक्स को कलर कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप 16 दिया है तो आप कोई भी 16 बॉक्स कलर यहाँ पे आप कर दें, ठीक है, काउंट करके। और यहाँ पे 36 दिया है तो आप कोई से भी 36 बॉक्स कलर कर सकते हैं, ओके, यहाँ पे 57 दिया है तो आप 57 बॉक्स कलर कर दीजिए, ठीक है, ये हमारा सेम यहाँ पर ये हो जाएगा।
57 बॉक्स आपको कलर यहाँ पे करना है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।